हाल ही में गृह विभाग ने कई पुलिस के अधिकारियों के तबादले किए थे। इसी के तहत बाड़मेर जिले के चौटन में पुलिस उप अधीक्षक के पद पर कृतिका यादव को लगाया गया है। आदेशों के बाद बुधवार को नव नियुक्त वृत्ताधिकारी कृतिका यादव ने कार्यभार ग्रहण किया। निवर्तमान CEO सुखराम विश्नोई ने कृतिका यादव को कार्यभार सुपुर्द किया। चौटन से विपिन बंसाली की रिपोर्ट। हाल ही में गृह विभाग ने कई पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसी के तहत बाड़मेर जिले के चौटन में उप पुलिस उप अधीक्षक के पद पर कृतिका यादव को लगाया गया है। आदेशों के बाद बुधवार को नवनियुक्त वृत्ताधिकारी कृतिका यादव ने कार्यभार ग्रहण किया। निवर्तमान CEO सुखराम विश्नोई ने कृतिका यादव को कार्यभार सुपुर्द किया। RAS 2021 में चयनित कृतिका यादव की चौटन में पुलिस उप अधीक्षक के पद पर पहली नियुक्ति है। साथ ही चौटन में महिला पुलिस अधिकारी के रूप में भी पहली महिला पुलिस अधिकारी है। उन्होंने पुलिस उप अधीक्षक पद पर कार्य ग्रहण करने के बाद बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों में पुलिस में दया वाक्य आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय को यथार्थ में लागू करते हुए अपराध पर नियंत्रण पर फोकस रहेगा। मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ, बाड़मेर में। तो ये बॉर्डरिंग स्टेट है, इलेक्शन की दृष्टि से थोड़ा यहाँ पे अभी थोड़ा सेंसिटिव ज़्यादा होगा। इस वजह से बस ज़्यादा थोड़ा हम एरिया डोमिनेशन करें, जो भी लिकर वगैरह की जो भी समस्या है इलीगल उस पर ज़्यादा फोकस करें। तो अभी मेरा यही काम रहेगा कि लोकसभा इलेक्शंस अनबायस तरीके से कंडक्ट हो जाएं बस, और बाकी उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। यादव ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। नवनियुक्त पुलिस उप अधीक्षक कृतिका यादव ने निवर्तमान DYSP सुखराम विश्नोई से क्षेत्र की कानून व्यवस्था की जानकारी ली। इस दौरान पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे और नवनियुक्त डिप्टी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं आमजन ने भी उपस्थित रहकर डिप्टी को चौटन की स्थितियों से अवगत करवाया।